नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कोरबा की इमली डुग्गू वार्ड क्रमांक 8 में दुकान संचालक को उधार नहीं देने पर की गई मारपीट, कोतवाली थाना में की गई शिकायत। नगर पालिका निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 8 इमली डुग्गू रेस्ट हाउस के पीछे रहने वाले गीता साहू पति अजीत साहू किराना दुकान का संचालन करता है। वही बीती रात दुकान में विकास दास महंत नशे की हालत में आया और उधार मांगने लगा। शराब पीने के लिए पैसे की भी मांग की। उधार नहीं देने पर गाली गलौज करते हुए दुकान की तोड़ फोड़ की और गल्ले में रखे पैसों को भी निकाल लिया। इसके पति बीज बचाव करने आया तो उसके साथ मारपीट किया गया, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में गीता साहू उनके पति अजीत साहू ने किया है। देंगे सीतामढ़ी किराना व्यवसाय। अच्छा, किस प्रॉब्लम को लेकर के आप यहाँ कोतवाली थाना आए हैं? कल मेरा हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ तो मैं परसों हुआ था, कल डिस्चार्ज होकर जब घर आया तो मेरी घर वाली दुकान चला रही थी, मैं अंदर में सोया था तो वहीं के बगल के एक लड़के ने, थोड़ा अपराधी परिस्थिति का लड़का है, कुछ गलत लोगों से उसका पहचान हुई, वो जो है इससे उधार मांग रहा है ज़बरदस्ती, ये नहीं दी तो इससे गाली गलौज करने लगा। तो उसी बीच मैं अंदर से गाली गलौज सुन के आया तो फिर मेरे से गाली गलौज करने लगा, मतलब उधार कैसे नहीं देगा करके। फिर मैं बोला मेरा तबीयत ठीक नहीं है, उसी का फ़ायदा उठा के मेरे को, मेरा हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ है उसी का फ़ायदा उठा के वो मेरे को मारने की कोशिश करने लगे। उसी बीच मेरी माँ मेरी पत्नी बीच में आ गए, तो उसके बाद मेरी पत्नी ने को भी मारा वो, और उसके बाद मेरी माँ को धक्का दिया, पूरा दुकान का सामान को जितना सजाया हुआ था सब को लात से जूता से थकूच दिया, पूरा सामान इधर उधर तहस नहस कर दिया, हजारों का नुकसान कर दिया, पूरा गल्ले का जितना पैसा है सबको, इतना पैसा था सुबह का बिक्री था सबको लेकर चला गया। यदि आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो KSN 24 News को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।